हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रांसपोज और मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका आज है ट्रांसपोज ट्रांसपोज को ए डैश से ड्रॉ किया जाता है इसको ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज क्या होता है, बड़ा ईजी है। आपको करना क्या है, रो को कॉलम के साथ चेंज कर दो और कॉलम को रो के साथ, यानी कि आप उसमें इंटरचेंज कर दो। जैसे रो को ऐसे लिख दो 1, 2, इस रो को भी ऐसे लिख दो, तो ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए आ गया मेरे पास 1, 2, 3, 0, 5, 4, 6, 3, 2, 5, ठीक है दोस्तों। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बस करना क्या है, रो है इसको ऐसे लिख दो 1, 2, 3, इसको ऐसे 0, 5, 6 और इसको ऐसे 3, 2, 5, तो ये क्या आ गया इसका ए ट्रांसपोज। और लेते हैं जैसे रेक्टेंगल मैट्रिक्स के केस लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 ये मैट्रिक्स है मेरी कोई, इसका मुझे ए ट्रांसपोज लिखना है। ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, ये रो थी इसको इस तरह से लिख दो 1, 2, 3, ठीक है दोस्तों। ये क्या गया इसका ए ट्रांसपोज। एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिख दो 1, 2, 3 और इसको ऐसे लिख दो 4, 5, 6, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा इसका ए ट्रांसपोज। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज, जैसे कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज लूँ, उसका अगेन ट्रांसपोज लूँ, तो वो क्या आता है, ए आता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएँ, ए बी सी डी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या नन ऑफ, कोई भी नहीं है इनमें से, तो क्या राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं, ए ट्रांसपोज उसका अगेन ट्रांसपोज, ये हमेशा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, यानी कि ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको वेरीफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 2, 3, 4, इसको वेरीफाई करते हैं। पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। उसका क्या अगेन ट्रांसपोज लेना है, इसका अगेन ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1, 3 और ये 2, 4, हाँ जी ये क्या आ गया, ए ही तो आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इजिकल टू ए के बराबर ही होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। और प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज इजिकल टू किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है इसको वेरीफाई करके देखते हैं 1, 2, 3, 4 और बी मैट्रिक्स है 0, 1, 2, 0, ठीक है दोस्तों। पहले क्या ए बी निकाल लो, यहाँ देखो पहले ए बी निकालना है मुझे, वेरीफाई करके देखें बराबर आएगा कि नहीं, ए बी निकालते हैं, इसकी 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और 2 की 2 के साथ 4, 1 के साथ 1, ठीक है दोस्तों, और 2 की 0 के साथ 0, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0 और 4 की 2 के साथ 8, 3 प्लस में 0, तो ए बी क्या आ गया 4, 1, 8, 3, ठीक है। तो ए बी क्या आ गया मेरा ये, अब उसका क्या लेना मुझे ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 4, 8, 1, 3, ठीक है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज ये आ गया। इज इक्वल टू ये किसके बराबर कह रहा है, ये इसके बराबर आएगा, देखते हैं पहले क्या लेना है यहाँ पे मुझे, बी का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज लेंगे इधर आ जाएगा 0, 1, ये नीचे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, फिर किसका ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज 1, 2, 3 और 4,
ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि बी को आगे रखना है हमेशा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। आइए करते हैं, यहाँ पे 0 2 1 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है मुझे, 1 3 2 4 के, ठीक है। अगर ये मेरा इसके बराबर आ गया तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की 0, और 2 की 2 के साथ 4, 0 प्लस 4। इसकी 0 के साथ करी 0, और 2 की 4 के साथ की 8, 0 प्लस 8, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी 1 के साथ 1, 1 प्लस 0 की 2 के साथ 0, 1 की 3 के साथ 3, और 4 की 0 के साथ 0, तो ये क्या आ गया, 4 8 1 3। हाँ जी, ये क्या इक्वल आ गए, यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी पे भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आपसे ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू।